हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो में। इस YouTube वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो भी मेरी स्टडी एनालिसिस है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस है, ना कि ट्रेडिंग पर्पस है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आप लेते हैं हमारे व्यू पे और उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। तो चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की लेवल एनालिसिस करने। तो लेवल एनालिसिस के लिए इसमें एक अच्छा खासा फॉल हुआ है और 2025 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे जो सपोर्ट है 1976 से लेकर के 1952, 1952 के लेवल को नीचे की तरफ नहीं काटता है और इस लेवल को होल्ड कर लेता है, दोबारा से 2025 के ऊपर चलता है तो इसमें एक तेजी आ सकती है 2070, और 2070 के लेवल को क्रॉस करेगा 2100 तक। ये शॉर्ट टर्म फुल बैक रैली होगा, ना कि लॉन्ग टर्म के पर्पज से स्टॉक को बाई करना चाहिए। जो लोग इसमें पुल बैक रैली खेलना चाहे इस लेवल के बेसिस पे और अपना एनालिसिस करके कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पर्पज से स्टॉक ठीक नहीं है। ऊपर कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, कल के ट्रेडिंग सेशन में नहीं बल्कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, तो 2200 रुपये तक का मूवमेंट हो सकता है। नीचे जो सपोर्ट है 1952 टूट जाएगा तो लास्ट सपोर्ट 1840 पे है। 1840 के आसपास ये शॉर्ट टर्म बॉटम बना करके एक रिलीफ रैली आएगी 2200 रुपये तक का। मीन्स कि नीचे जो है लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड अगर देखा जाए 1840 रुपये का सपोर्ट है और ऊपर 2200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके बीच में अब ये अभी हम हैं, तो यहाँ से अगर 100 रुपये की पुल बैक रैली आएगी तो फिर से कोशिश करेगा बाजार में 1850-1900 रुपये तक की लेवल को टच करके बॉटम बना करके एक रिलीफ रैली आ जाएगी इसमें 2200 रुपये तक का। ये मेरा व्यू है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।